तो हे नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने वाला होगा आप MIUI 12 में MIUI 12.5 वाले जो वॉल्यूम कंट्रोल्स है उसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, चाहे आपके पास कोई भी Xiaomi का डिवाइस हो। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ Redmi 7A को। अगर आपके पास यही सेम डिवाइस है तो उसमें MIUI 12 का जो अपडेट है वो पिछले कुछ महीनों में आ गया था। अगर आपने उसे अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो मेरे वाले इस वीडियो को देखकर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, साथ में इसके फीचर्स भी मैंने बताए हैं। तो इस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर हमें MIUI 11 में जो वॉल्यूम कंट्रोल्स मिलते थे साथ ही में वही MIUI 12 में भी पास कर दिए गए। आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऐसे वॉल्यूम कंट्रोल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अरे यहाँ पर हमें MIUI 12.5 में कुछ ऐसे वॉल्यूम कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको आप इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको डिवाइस का बूटलोडर अनलॉक या रूट डिवाइस करने की कोई जरूरत नहीं। तो सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएंगे, उसकी मदद से आप एक APK फाइल डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं वही लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सिंपली आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर जो APK डाउनलोड हो चुका है तो आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। तो यहाँ पर ऐप जो इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आप वॉल्यूम की को प्रेस करोगे तो यहाँ पर हमें जो न्यू वॉल्यूम कंट्रोल से वो देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें म्यूजिक साउंड के लिए देखने को मिल जाता है, यहाँ पर हमें रिंगटोन के लिए वॉल्यूम कंट्रोल देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर हमें अलार्म के लिए। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नीचे देखने को मिल जाएंगे, एक साइलेंट और यहाँ पर हमें DND मोड भी देखने को मिल चुका है। तो अब यहाँ पर DND के लिए टाइमर भी सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 8 आवर। तो यहाँ पर हमें जो ये वॉल्यूम कंट्रोल है वो बहुत ही स्मूथ देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके डिवाइस में प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे तो अभी से एक बार अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल कीजिए। तो मेरे डिवाइस में जो ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो Redmi है बहुत ही एंट्री लेवल स्मार्टफोन है। तो यहाँ पर इसे अनइंस्टॉल करने के लिए आप सेटिंग्स में चले जाइए और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आप ऐप्स में चले जाइए और यहाँ पर मैनेज ऐप्स में और यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर शो ऑल ऐप्स पर क्लिक कर दीजिए। तो आपको सब ऐप्स यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए सिस्टम यूआई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप नीचे स्क्रॉल करिए अरे आपको यहाँ पर सबसे नीचे जो है सिस्टम UI कंट्रोल्स करके एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगी। आप इस पर क्लिक कीजिए और अनइंस्टॉल अपडेट्स पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिलहाल जो है वो 12.5 वाले ही वॉल्यूम कंट्रोल है। और जैसे मैं अनइंस्टॉल अपडेट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है वो ओल्ड वाले ही वॉल्यूम कंट्रोल्स आ जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो तो ये ओल्ड वाले वॉल्यूम कंट्रोल्स है वही यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप फिर एक बार इसे रीइंस्टॉल करके देख लीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, कुछ हेल्प होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं इसी न्यू वीडियो के साथ अगली वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।